हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो यहाँ मेरी बातों को आज ध्यान से सुनिएगा झारखंड बोर्ड 10th और 12th के स्टूडेंट, कि कौन से स्टूडेंट इसमें फेल होंगे। यानी कि कुछ दिन पहले जो अपडेट आया था कि सी ग्रेड पाने वाले स्टूडेंट को किया जाएगा फेल, तो जिस कैंडिडेट को सी ग्रेड मिला है उसमें कौन से वो कैंडिडेट है जिसको फेल किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप फेल नहीं होंगे, यहाँ पे सब लोग पास होंगे, लेकिन जो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ स्टूडेंट फेल भी हो सकते हैं, तो वो किस सिचुएशन में हो सकते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कौन से वो स्टूडेंट होंगे जिनका सी ग्रेड आने पर ही फेल होगा और कौन से वो स्टूडेंट हैं जिनका सी ग्रेड आने पर ही वो फेल नहीं होंगे, वो पास हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सी ग्रेड जिसका जिसका आ रहा है वो फेल होने के चांसेस हैं, तो वो आपका नंबर पे डिपेंड करता है। जैसा कि आपको 50 मार्क्स का एग्ज़ाम देना होगा जिसमें आपका 40 नंबर का थ्योरी पेपर होगा और 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट से होगा। इतना तो आपको क्लियर है। और ये जो आपका 50 मार्क्स है उसमें से आपका सम्मिलित मार्क्स है, यानी कि आपका OMR सीट पे जो एग्ज़ाम हुआ और इंटरनल असेसमेंट जो स्कूल से मिला। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा सी ग्रेड में कितना नंबर आता है। तो यहाँ पे 16.50 से लेकर 22.50 तक ये हमारा जो है नंबर आ सकता है। इसमें अगर इतना नंबर आ रहा है हमारा इस सब के बीच में, तो हमारा सी ग्रेड है। मतलब 16.5 से लेकर 22.5 तक हमारा नंबर आ रहा है, तो हम सी ग्रेड के अंदर आते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारा 17 नंबर मिला है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा इंटरनल असेसमेंट यानी कि जो 10 नंबर का है उसमें से हमें पूरे के पूरे 10 नंबर दिया गया है, तो हमारा थ्योरी पेपर में कितना आया यानी कि OMR सीट पे कितना आया, तो हमारा 7 आया है और ये 7 हमारा मैट्रिक में जाके हो जाएगा 14, ठीक है। तो हमारा मैट्रिक में वो हो गया 14। उसके बाद मैट्रिक में हमें इंटरनल असेसमेंट में से मिलता है, मान लीजिए आपको आपको नॉर्मली 17, 18, 19, 20 इतना ही मिलता है, जहाँ तक कि मुझे पता है, इससे कम नहीं मिला है किसी को, तो हम यही लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें 17 मिलता है तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 और 17, तो यहाँ पे हमारा 31 नंबर हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे हमें फेल किया जा सकता है और वहीं पर हमें इंटरनल असेसमेंट में दे देता है मैट्रिक में 20 दे देता है, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें 34 आ गया तो हम पास हो गए। जहाँ पे हमारा सिर्फ पासिंग मार्क्स 33 ही है वहाँ पे 34 आ गया, तो हम उस कंडीशन में पास हो जाते हैं। मतलब कि जो हमारा डिपेंड करता है वो हमारे मैट्रिक के स्कूल के इंटरनल असेसमेंट पे डिपेंड करता है, वो जिस तरीके से देगा उस तरीके से हम पास हो सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे सारे कैंडिडेट जो सी ग्रेड में है उन्हें फेल नहीं किया जाएगा। और वहीं पे अगर हमें दिया जाता है हमारा सी ग्रेड के अंदर कितना आता है, 16.5 से लेकर 22.5 तक, वहीं पे मान लीजिए कि हमारा 20 नंबर दिया गया है, ठीक है। 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट से और OMR सीट से 10 नंबर, आपको 20 नंबर दिया गया है, मतलब आप थ्योरी में 10 नंबर लाए हो, तो इसमें जो 10 नंबर आप थ्योरी में लाए हो वो आपका मैट्रिक में जाके बन जाता है 20 नंबर। तो यहाँ पे 9th में जो आपने OMR सीट पे 10 नंबर लाया था वो मैट्रिक में जाके आपका हो जाता है 20 नंबर, क्लियर। तो वहाँ पे जब 20 नंबर हो गया और आपको और वहाँ पे आपको मैट्रिक के इंटरनल असेसमेंट में से भी जब 20 नंबर दे दिया, तो टोटल आपका कितना हो गया, आपका टोटल 40 हो गया, तो आप इस कंडीशन में पास हो सकते हो। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है, हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे सी ग्रेड पाने वाले कैंडिडेट को फेल नहीं किया जा रहा है, ये आपका डिपेंड करता है इंटरनल असेसमेंट के नंबर पे और आपका थ्योरी के नंबर पे, और ज़्यादा आपको डिपेंड कर रहा है इंटरनल असेसमेंट के मैट्रिक के नंबर पे। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट तैयार होगा। यहाँ तक आपको बात क्लियर है, तो मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो है सी ग्रेड पाने वाले 9th के स्टूडेंट को सभी को फेल नहीं किया जाएगा, और वो पूरा टोटली डिपेंड करता है वो मैट्रिक के इंटरनल असेसमेंट के नंबर पर, जिस तरीके से नंबर देगा, अगर ज़्यादा कम दे दिया तो हमें फेल किया जाएगा, लेकिन हमारा जो है वो स्कूल ऐसा नहीं करे, क्योंकि स्कूल भी चाहती है कि हमारे कैंडिडेट अच्छा करें, हम उनको फेल नहीं करें, तो ऐसा नहीं होने वाला। इसीलिए बहुत सारे कैंडिडेट को ये टेंशन होगा कि जब हमारा सी ग्रेड आया है तो हमें फेल किया जाएगा, तो ये बात आप मत सोचिए, आप अपने अंदर निगेटिविटी मत लाइए,
क्योंकि जो अभी कंडीशन था मैंने उसको आपको बता दिया है। और स्कूल से आपको इंटरनल असेसमेंट में नंबर अच्छा ही दिया जाएगा, मतलब आपको पास कर दिया जाएगा। अगर आप मेरा सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, और अगर कोई भी डाउट हो तो उसे आप मुझे फॉलो करके इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, जो कि इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर लेना। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए जाएगा। और फेल नहीं के बराबर होने वाला है, अगर आपका बहुत ही बैड लक हुआ तो उसका गारंटी मैं नहीं ले सकती हूँ, लेकिन आपको फेल करने का चांस ना के बराबर है, आपको फेल नहीं।